तेरी चरणों की धूल माथे पे लगाऊं, तेरे कर्ज को कैसे मैं चुकाऊं। माँ मेरी माँ, मैं अब जब बड़ा हो गया, तेरे कर्म को कैसे भूल गया, तेरी हाथों की उस रोटी को ना जाने कैसे भूल गया माँ। सो इंट्रो देने का मतलब ये है कि आपसे ज्यादा भी कोई है जो आपके सफलता का इंतजार कर रही है, और वो है आपकी माँ। सो कभी भी आपके मन में आए कि सर मुझे पढ़ने का मन नहीं करना, याद रखिएगा इसी जन्म में उनको वो सुख देना है जिनका वो हकदार है। कर भी बातें हैं बट मैं सही कहता हूं, जो लोग एक बार चले जाते हैं वो नहीं आते हैं। तो याद रखिएगा इसी जन्म में, इसी ईयर में उनको वो सुख देना है। सुख इन द सेंस आपको जॉब लेना है, उससे बड़ा सुख उनके लिए कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा लाइक ए वॉरियर, ये पूरा साल आपको निकालना है और आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि सिर्फ आपका सपना नहीं है, आपके अपनों का भी है। स्टार्ट करते हैं कि आज और कल आप क्या पढ़ने वालों में। फिर से बता दूं, अगर आप दरोगा बनना चाहते हो और अगर अभी तक भी इस चैनल से नहीं जुड़े हो, आपको रिग्रेट होगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। स्टार्ट करते हैं, यहां वही कंटेंट दिया जाता है जिससे श्योर सिलेक्शन होता है और जिसे हमने पढ़ा था, मैं प्राउडली ये चीज कह सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 और 7 जनवरी आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, नीचे लिंक है। अभी भी हमसे नहीं जुड़े हो, जुड़ सकते हैं। वीडियोस एंड पीडीएफ आप थ्रू वॉइस 15 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐप पे वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। टॉपिक छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरीके का हो, अगर वो एग्जाम में आ सकता है आपका नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। जो टॉपिक और जो सब्जेक्ट जहां आप अटकोगे उसको हम पहले रिफाइंड करेंगे और दिमाग में आपका बिल्ड करेंगे। आज आप साइंस में पढ़ोगे, आपके लिए कुछ लोगों के लिए रिवीजन हो सकता है, बट ध्यान दीजिएगा 3 वीडियो आज आप पढ़ोगे प्लांट किंगडम में, सिर्फ पादप जगत में। प्लांट किंगडम के 2 वीडियो पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो 3रा वीडियो होगा उसमें मैंने पूरा का पूरा प्लांट किंगडम को समराइज किया और उसके क्वेश्चंस। तो टोटल जो आज 3 वीडियो आपको प्लांट किंगडम पे पढ़ना है, ठीक है। 3 वीडियो प्लांट किंगडम पे, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, और 1 वीडियो जो होगा आपका प्लांट हार्मोन पे होगा, तो वीडियो 4 हो गया, ठीक है। तो टोटल वीडियो जो भी आपको प्लांट किंगडम पे दिया जाएगा उसको आपको करना है। उसके बाद जो आपको साइंस में 1 वीडियो आएगा, ठीक है, वो है आपका स्पीडी एनालिसिस। जब एग्जाम में आप बैठोगे, ठीक है, आप जो बैठे होंगे बीएससी में उनको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस कहां तक आ सकता है, उससे हम 1 लेवल ऊपर आपको स्पीडी एनालिसिस करके दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पादप जगत कंप्लीट करोगे। अगर जिनका रिवीजन है वो रिवीजन करेंगे, बट कुछ वीडियो आपका नया भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पादप जगत के वीडियोस कंप्लीट करोगे 3 वीडियो, 1 होगा आपका प्लांट हार्मोन का, हार्मोन वाला आप भी देख लेना क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद होगा आपका स्पीडी का एनालिसिस, ये भी आपको करना है, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया, तो ये है आपका साइंस का रूटीन जो आप फॉलो करोगे। इसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो हमने बताया है, जो हम आपको पढ़ाएंगे उसको आप लूसेंट से एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, वीडियो एंड पीडीएफ कंप्लीट करना है जो आपको ड्रीम डोज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो साइंस में अगर आपको पढ़ना चाहते हो कोई बुक तो लूसेंट का जो कंबाइंड वाला है वो पढ़ना, बट पहले आपको ये पढ़ना है क्योंकि लूसेंट इनफ नहीं है, उसमें कुछ भी समझाया हुआ नहीं है, ठीक है। अगर लूसेंट से हो जाता सिलेक्शन तो सब सिलेक्शन नहीं लेते, ये चीज आप समझो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पादप जगत। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है साइंस के बाद, वो आता है आपका करंट। मई का करंट हमने आपको एनालिसिस करवाया था, स्पीडी जो हमने पढ़ा था वही मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो स्पीडी थोड़ा ज्यादा इसमें कंटेंट, पर हमने यही पढ़ा था तो स्पीडी ही मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूं। मेहनत लगता है, मैं मानता हूं मेहनत लगता है स्पीडी पढ़ने में, बहुत बार बार पढ़ना पड़ता है। पर ये भी तो सोचो, अगर 6 से 7 लाख लोगों को अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पीडी का मई वाला पूरा का पूरा आज रिवीजन करोगे, आपके पास संडे तक टाइम है, प्लस स्पोर्ट वाला जो वीडियो था, ठीक है, उसको मैं फिर से डाल दूंगा। तो इसमें ड्रीम डोज का वीडियो करना है, उसके बाद आप बुक पढ़ सकते हो स्पीडी वाला, बट सबसे पहले आप वीडियो कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों के बाद आता है, वो हिस्ट्री। हिस्ट्री में काफी दूर तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच चुके हैं। आज जो आप पढ़ोगे, जो डिफरेंट एक्ट्स आए थे, ये आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हो, संविधान का जब विकास होता है उससे पहले, बट इसको हिस्ट्री में हमने डाल दिया है। इसमें क्या है कि आप जो रेगुलर, देखो जो एक्ट है हमारा पूरा, ठीक है, जो अधिनियम है जो भारत का, 3 चरणों में ये इनका ये हुआ। सबसे पहले
जो आपका कंपनी जब आया, ठीक है, तो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट चालू हुआ, उसके बाद जो आपका कंपनी है, ठीक है, इसका पावर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आपको पता है 1857 का जब वार होता है, उसके बाद 1858 में, ठीक है, ये चीज पता है। तो उसके बाद कंपनी का रूल खत्म करके आपका क्राउन का रूल स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में पढ़ोगे उनसे क्या क्या एक्ट बना, ठीक है, और लास्ट में हमारा देश आजाद होता है, वो चीज आपको पता हो। तो जितने भी अधिनियम है वो खत्म करोगे, और प्रेस का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, इसको क्राउन में अच्छे से दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए हमने जो पढ़ा था वो है आपका ऐसे, वो बहुत ही अच्छा बुक है, आपको आगे मैं करवाऊंगा, बट जो अभी टॉपिक में करवा रहा हूँ वो है आपका एनसीईआरटी सार, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, इसका भी आपको वीडियो दिया जाएगा, ठीक है, बस आप पहले वीडियो कंप्लीट कर लेना, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी सार तो खैर आपके पास हो गए। तो ये है आपका अधिनियम करोगे, डिफरेंट एक्ट, और प्रेस का विकास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मतलब लाल पीला कर दिया बुक को, आपको भी वो पेज आपको दिया जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है स्टैटिक जीके, मैं फिर से कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके अगर आप एक बार पूरा का पूरा वीडियो देख लोगे, ठीक है, आप सबसे बेटर स्टेज में होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटी में, ठीक है, पॉलिटी में कुछ पोर्शन अभी बचे हुए हैं, बट सबसे पहले हम लोग आज जो आपके लिए बहुत मेहनत किया जाएगा, आज हम वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, कंटेंट प्रिपेयर है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आज तक एग्जाम में छपे हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, वो सब मैं आज आपको करवाऊंगा, ठीक है, इसका वीडियो दिया जाएगा और इसका पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके में आज जो आप करोगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्य, इस बार भी आया हुआ था पेपर में, हमने आपको पहले ही करा था, जैसे सार्क हो गया, बिमस्टेक हो गया, ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत अच्छे अच्छे पूछ लिए जाते हैं, जैसे बाल्कन कंट्री, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, आपका जो बाल्टिक कंट्रीज में हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे कि कौन सा कंट्री है जो आपका कैस्पियन सागर से लगा हुआ है, ठीक है, एरल सागर के बीच में कौन से दो कंट्री, तो इस टाइप के क्वेश्चन लोग छोड़ते हैं, मुझे पता है, ठीक है, बट आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। और बेसिक ऑफ बिहार से रिलेटेड क्या क्या बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एक दो क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड, मतलब जितना पूछा जाता है उतना ही आपको कराया जाएगा, इसमें भी आपका वीडियो एंड पीडीएफ दे दिएगा। तो धीरे धीरे वीडियोज आज आपके डलेंगे, उसके बाद उसके पीडीएफ डलेंगे, आप कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक है। और फिर से मैं कहता हूँ, ये जो है आपका सिर्फ आपका सपना नहीं है, ठीक है, सो प्लीज वर्क हार्ड, ठीक है, ताकि आपको बाद में किसी भी चीज का रिग्रेट ना हो। जय हिंद।